जय हिंद नमस्कार साथियों। जय हिंद साथियों, हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता खुशबू पाठक। इन्होंने मध्य निषेध 689 में ही अपना फिजिकल क्लियर किया था और इनका टोटल मार्क्स आए थे जो 74 आए थे, और उस टाइम लड़कियों का और लड़कों का भी जनरल का जो कट ऑफ था वो 66 मार्क्स था, लेकिन इनका नहीं हुआ। अब इनसे जानते हैं क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो उसके लिए ये कौन सा प्रोसेस, मतलब क्या कदम उठाया है, अभी तक क्या कर रही हैं। तो खुशबू, हम आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम खुशबू पाठक है और हम बिहार पुलिस का मतलब क्वालिफाई किए एक नहीं दो बार, और इस बार 689 के टाइम मेरा EWS और NCL के कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लास्ट टाइम छाप दिया गया, जो कि 21,000 वाली वैकेंसी में भी ऐसा रिजल्ट जो आया है उसके पैराग्राफ ये खंड 6 और 8 में लिखा हुआ है NCL को लेकर और EWS को लेकर। तो जिसके वजह से बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि किस टाइम का लिया जाएगा, किस टाइम का नहीं लिया जाएगा। तो हुआ गया कि 1275 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लिखा गया था, लेकिन उस टाइम हुआ गया कि आयोग ने मतलब जो वहाँ के चेयरमैन थे BPSC, उन्होंने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बच्चे दिक्कत में पड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि जो है जिसके पास वो जमा कर दे, तो करेंट पर ले लिया गया था। तो इसलिए आयोग से यही कहना है कि इस बार भी हमारे बच्चों के साथ, हम लोगों के साथ गलत ना हो, और जो जिसके पास है करेंट है वो लिया जाए, क्योंकि पहले से बच्चों को इस बात का आगाह नहीं किया गया था। अब रिजल्ट के टाइम कोई आगाह करता है तो सही नहीं है, और बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे, संख्या भी हमारी बेहतर है। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, चाहे जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका रिजल्ट 689 में है, क्या ये लोग तैयारी करें कि तैयारी छोड़ दें? 21,391 उनको तैयारी करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, जी जान से अपना ग्राउंड पर मेहनत करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि EWS NCL का मैटर जब आह्वान किया जाए कि हाँ सब कोई सपोर्ट करिए, उस टाइम इन लोगों को सपोर्ट में उतरना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का बात है, किसी का पर्सनली का बात नहीं है। लेकिन अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर हमेशा रहना चाहिए। देखिए, आप लोगों से बार बार मेरा हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि आप घर पे बैठिए मत, आप पूर्ण रूप से तैयारी में लग जाइए और अपना फिजिकल पे फोकस करिए, क्योंकि जो लास्ट मेरिट लिस्ट बनने वाली है, जो मेगा सूची बनेगी, वो आपके फिजिकल के नंबरों पे ही बनेगी। इसीलिए आप लगातार मेहनत करिए, लगातार परिश्रम करिए और अपनी सफलता को प्राप्त करिए। तो खुशबू, आप ये बताइए कि जब 1275 में भी ये चीज़ें थी लेकिन उनको नहीं लिया गया, संज्ञान में चेयरमैन ने या बोर्ड के अध्यक्ष या सचिव किसी ने कुछ नहीं इसके बारे में कहा, तो आपके मतलब आपके नज़रिए से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोर्ड ऐसा करे या ना करे, लेकिन आपके नज़रिए से क्या लगता है, इन बच्चों का इस बार नया पुराना जो कुछ जो कोई भी है उस पर हो जाएगा या नहीं होगा? देखिए, अभी तक तो जिस हिसाब से लग रहा है नोटिस के हिसाब से, ये कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा, लेकिन अगर बच्चे सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, क्योंकि मामला इन लोगों का है, तो नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि 689 के टाइम संख्या कम थी। हाँ, मतलब बड़ी संख्या है। हाँ, आप वो चीज़ बताइए जो आप उस टाइम बता रहे थे कि हम लोग गए थे, वहाँ मिले, फिर कोर्ट में पहुँचे, तो अभी आप लोगों ने कितने लोग थे जो मिले थे जब आप लोग जा करके उसके लिए कोर्ट में गए थे, पहुंचे थे, कितने लड़के थे कोर्ट केस में? तो 72 मतलब। अब देखिए, 689 का रिजल्ट था, लगभग 3,500 बच्चे थे, उसमें से मात्र 74-75 बच्चे साथ आए थे, और इस बार पूरे बिहार राज्य की सबसे बड़ी कांस्टेबल लेवल की भर्ती है, इसमें 1,07,079 रिजल्ट आया है। इसमें से 80% ऐसे बच्चे हैं जिसका EWS और NCL पुराना नहीं है, नया वाला है। तो इस बार घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड को इस बार मानना पड़ेगा, नया पुराना जो कोई भी है उसको ले करके चलना पड़ेगा, नहीं तो हम जितने एकेडमी वाले हैं, मैं आपके साथ दावे के साथ बोल सकता हूं कि जब तक आपकी लड़ाई है तब तक साथ में लड़ा जाएगा, बोर्ड चेयरमैन के पास चला जाएगा, वहां पर जा करके उनको ज्ञापन दिया जाएगा, फिर अगर नहीं मानते हैं, हमको पूर्ण विश्वास है कि वो मान जाएंगे, इसी पे नया नोटिफिकेशन दे देंगे और आप लोगों को पूर्ण रूप से भर्ती करा दिया जाएगा। आप अपनी बस मेहनत को जारी रखें, बाकी चीज़ें सब सही हो जाएंगी अगर आप पूरा मेहनत करिएगा तो।